सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइए आप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, ये है शास्त्री पार्क और शास्त्री पार्क में ही देखो इस पिलर को ऊंचाई पर ऊंचा किया जा रहा है दोस्तों, यानी कि इसकी हाइट बढ़ाई जा रही है। देखो सेटिंग लगाकर इसमें कॉन्क्रीट भर दिया है, अभी और ऊँचा किया जाएगा। दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये शास्त्री पार्क में किस तरीके से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को बनाया जा रहा है। दोस्तों देखो सेटिंग लगा के अब इसके पियर कैप बनाए जा रहे हैं। दोस्तों पियर तो पहले ही बन के कम्प्लीट हो गए थे, अब पियर कैप का काम किया जा रहा है, और जैसे जैसे ये पियर कैप बन जाएंगे उसके बाद में दोस्तों इस पर एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में दोस्तों गाटर लॉन्चिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, और फिर उसके बाद में शटरिंग लगा के और फ्लोर वर्क कर दिया जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से यहाँ पर पियर कैप बनाए जा रहे हैं दोस्तों शास्त्री पार्क के अंदर, देखो आप लोग। और ये खजूरी पुस्ता तक आप लोगों को ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि खजूरी पुस्ते पर तो आप लोगों ने देखा था कि वहाँ तो सारा काम कंप्लीट ही हो चुका है, आधे से ज़्यादा। एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट भी कर दिया जा चुका है दोस्तों, उस पर फ्लोरिंग का वर्क भी हो चुका है, अब उस पर फिनिशिंग का काम किया जा रहा है दोस्तों। वो सब कुछ आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो के एंड में दोस्तों, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये, ज़्यादा से ज़्यादा देखो ध्यान से दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं कि ये 210 किलोमीटर का दोस्तों रूट है, दिल्ली के अक्षरधाम टेंपल से स्टार्ट होता है और ये देहरादून में जाके ख़त्म होगा दोस्तों। 210 किलोमीटर का ये रूट है दोस्तों, जिसमें से 12 किलोमीटर का पार्ट दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा, तो वो भी आप लोगों को अपडेट दिखाऊँगा मैं जल्द ही आप सभी को। देखो यहाँ पर ये सेटिंग लगाई जा रही है क्योंकि पियर कैप बनाया जाएगा, तो इसी वजह से ये पहले लोहे का फ्रेम लगाते हैं, फिर उसके बाद में शटरिंग लगा कर फिर ये पियर कैप बनाया जाता है, जैसे कि ये बनाया। अब देखो ये आ जाती है फ्लाईओवर, इसको फ्लाईओवर को क्रॉस करेगा तभी इसकी हाइट है। अब ये लेफ्ट में जाएंगे तो हम चलेंगे जे ISBT यानी कि कश्मीरी गेट के लिए, और राइट में जाएंगे दोस्तों तो चले जाएंगे सादरा होते हुए गाजियाबाद में। तो देखो यहाँ पर ये इंटरचेंज बनाया गया है दोस्तों शास्त्री पार्क में, देखो किस तरीके से इंटरचेंज भी बन के कम्प्लीट हो चुका है। इसका मेन देखो मेन अलाइनमेंट ये राइट हैंड वाला है, और लेफ्ट वाला देखो ये इंटरचेंज है, जो यहाँ से ये चढ़ेंगे वाहन और सीधे देहरादून जाकर निकलेंगे। तो देखो इस साइड में दोस्तों ये यहाँ से खजूरी पुस्ता स्टार्ट हो जाता है, और खजूरी पुस्ता पर ही देख सकते हो आप लोग। तो शास्त्री पार्क पर ये इंटरचेंज बनाया गया है, किस तरीके से इंटरचेंज बनाया गया है आप लोग तस्वीरें देख सकते हो। यहाँ पर इस पे चढ़ने के लिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर देखो यहाँ से चढ़ेंगे, इस तरीके से ये रैंप बनाया गया है। देखो ये चढ़ने के लिए, देखो वो बस चढ़ रही है ना, इस पे चढ़ जाएंगे, मेन लाइन पर आ जाएंगे, मेन लाइन ये है दोस्तों, और यहाँ से ये घूमते हुए ये देहरादून के लिए निकल जाएंगे दोस्तों इधर से। ये देखो अब ये मेन लाइन है दोस्तों, इधर ये इसकी क्या है, ये देखो ये इंटरचेंज बनाया गया है, यहाँ पे ये चढ़ने के लिए है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ऊपर दोस्तों। ये मेन लाइन जा रही है और ये सीधी जा रही है यहाँ से, देखो ये देखो शास्त्री पार्क होते हुए दोस्तों, ये गांधीनगर होते हुए और ये गीता कॉलोनी होते हुए ये अक्षरधाम में जाके इसका एंड हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, क्या ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। और चलते हैं आगे खजूरी पुस्ता के लिए, वहाँ पर खजूरी खास पर देखेंगे चल के कि वहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है दोस्तों। देख सकते हो गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है, अब इस पर शटरिंग लगा कर दोस्तों फ्लोर वर्क किया जाना है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो आप लोग तस्वीरें देखो, यही काम चल रहा है अभी दोनों साइडों में, इसके रैंप के हिस्से पर भी और इसके मेन लाइन पर भी दोस्तों। देखो आप लोग इधर तो चला जाता है ये ISBT के लिए, इधर ये ISBT के लिए चला जाता है, और इधर ये चला जाता है तो गाजियाबाद के लिए, सादरा होते हुए ये गाजियाबाद में एंटर हो जाएगा। हमें चलना है आगे बागपत के लिए, तो बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं चल के आप सभी को दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ ये 210 किलोमीटर की इसकी दूरी है दोस्तों,
14,000 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है, जिसमें से 12 किलोमीटर का पार्क दोस्तों कहाँ राजा जी नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा, उसका भी आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेगा केपी संत के चैनल पर दोस्तों। पर डे वीडियो आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के और दोस्तों RRTS के, जो कि दिल्ली मेरठ RRTS बनाई जा रही है, उसके भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे ही वीडियोज़ देखो, केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। चलते हैं और आगे का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं चल के।
दोस्तों ये आ चुके हैं हम खजूरी खास के सामने। बिल्कुल देखो ये है खजूरी खास, जिसका ये फ्लाई ओवर है दोस्तों खजूरी खास का, और इसको क्रॉस कर रहा है ये गगन चुंबी फिलर दोस्तों। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे क्रॉस कर रहा है इसको, और वहीं का एक मेट्रो भी जा रही है उसके बगल से, उसको भी क्रॉस करेगा यानी कि पिंक लाइन को दोस्तों। और ये इसका रैंप है उतरने के लिए, जो कि दिल्ली और ये हरियाणा जाने के लिए, मतलब कि पंजाब जाने के लिए, चंडीगढ़ अम्बाला जाने के लिए ये रैंप का सहारा लिया गया है दोस्तों। जब हम अक्षरधाम से उतरेंगे, अगर हमें दिल्ली जाना है या चंडीगढ़ जाना है, तो इस रैंप का सहारा लेंगे इस पर चढ़ने के बाद में। और देखो किस तरीके से यहाँ पर ये पिलर के पियर कैप बनाए जा रहे हैं दोस्तों। गगनचुंबी ये पिलर देखने के लिए आप लोगों को मिलेंगे खजूरी खास पे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को अपडेट दिया जाए। तो आप लोग मुझे बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, आप सभी को तो इन्जॉय कीजिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को।